हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम। मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से जितने भी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया है। तो सबसे पहली बात, ई पास क्या है? हम लोग सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत होती है और इसके लिए ई पास झारखंड सरकार जारी करेगी और जिनके पास ये ई पास रहेगा वही लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकल सकेंगे। तो इस प्रज्ञान ऐप के द्वारा जो है ई पास जारी किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है, उसका नाम ज़रूर आपको याद रखना चाहिए, बेतला नेशनल पार्क। और अभी अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के 30 शहरों में भारत के 21 शहरों को सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और ये दोनों शहर झारखंड, इनमें से 2 शहर झारखंड के भी हैं, जिसमें कि पहला है झरिया और दूसरा है धनबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य की पुलिस ने राजकोप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान। अब जो ये राजकोप सिटीजन्स ऐप है वो ऐप किन के लिए है? वो ऐप है सिटीजन और कंपनी के जो भी कर्मचारी अथवा एम्प्लॉई हैं उनको इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? जयपुर। और राजस्थान में ही एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में अभी अभी कोरोना रोगी के सेवा हेतु, कोविड-19 जो है उस रोगी की सेवा हेतु ह्यूमनाइट रोबोट का ट्रायल किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर याद रखेंगे। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है वर्तमान में? इंद्रजीत मोहंती, इंद्रजीत मोहंती। और यहाँ पे अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करूँ तो 25 और राज्यसभा के सीटों की संख्या है 10। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह की दूसरी बड़ी संख्या किस राज्य में है? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है सी, त्रिपुरा। तो इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि बाल विवाह जो है, बाल विवाह, ये जो मैंने बात की बाल विवाह की दूसरी बड़ी संख्या किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। लेकिन पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पर है झारखंड, पहले नंबर पर है झारखंड और दूसरे नंबर पे आता है त्रिपुरा। एक संस्था है यंग लाइव और इस रिपोर्ट ने ही इस बात का खुलासा किया है। यंग लाइव जो संस्था है इन्होंने ही इस बात का खुलासा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इस संस्था का संचालन करती है। और फ्रेंड, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ की कैपिटल कहाँ है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। और यहाँ के सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कैप्टन सिंह सोलंकी। यहाँ के गवर्नर कौन है? कैप्टन सिंह सोलंकी। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? हाल ही में नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? तो इसका सही जवाब है सूरज बेरी, इसका सही जवाब है सूरज बेरी। और कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में। अगर कहाँ की बात की जाए तो विशाखापट्टनम में। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने PWD नामक मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च की है? तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगा, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने
PWD नामक मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किए? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। और जो ये PWD ऐप है, इसके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। तो दिव्यांगों को चुनाव के प्रति जागरूक करने हेतु जो है ये PWD नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। और यहाँ के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के गवर्नर कौन है? सी विद्यासागर राव। अब यहाँ पे बात आती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस बैंक ने कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात के बड़ोदरा में। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO कौन है? इसके CEO हैं PS जय कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला ने एशिया में अपनी सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली कहाँ विकसित की है? तो इसका सही जवाब है जापान। तो जापान के ओसाका में जो है एशिया की सबसे बड़ी जो है बिजली भंडारण प्रणाली विकसित की गई है, और यह किसने किया है? टेस्ला ने किया है। कहाँ पे किया है? जापान के ओसाका में। और हम सभी जानते हैं कि जापान की मैक्सिमम ट्रेनें बिजली पर चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप देने के लिए जो है बिजली भंडारण प्रणाली विकसित की गई है। अब बात आई टेस्ला की, तो टेस्ला के CEO कौन है? एलन मस्क। टेस्ला की स्पेस कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। उसके बाद कैपिटल की बात करूं, तो जापान की कैपिटल कहाँ है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के PM कौन है? शिंजो अबे। और जापान की संसद कहाँ क्या है? डायट। जापान की संसद क्या कहलाती है? डायट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बेनिन गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अभय ठाकुर। अब बेनिन के बारे में जानते हैं। बेनिन अफ्रीका का एक देश है। बेनिन की राजधानी कहाँ है? पोर्टो नोवो। बेनिन की करेंसी क्या है? अफ्रीकन फ्रैंक। बेनिन के राष्ट्रपति कौन है? पैट्रिस टोलन। बेनिन के राष्ट्रपति कौन है? पैट्रिस टोलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16वीं कनाडा भारत JWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही जवाब है कनाडा की कैपिटल ओटावा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि कनाडा की कैपिटल कहाँ है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या कहलाती है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के PM कौन है अभी फिलहाल वर्तमान में? तो जस्टिन टूड्रो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोलीविया। हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोलीविया गए हुए हैं, और बोलीविया की कैपिटल क्या है? सुक्रेन। बोलीविया की कैपिटल क्या है? सुक्रेन। तो यहीं पे जो है हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने का प्रस्ताव रखा है। उसके बाद फ्रेंड, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ की करेंसी क्या है? बोलीविया बोलीवियानी, बोलीविया बोलीवियानी। और बोलीविया के राष्ट्रपति कौन है? इबा मोरालिस, इबा मोरालिस। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आता होगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन एस श्रीनाथ को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एन एस श्रीनाथ को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, करूर वैश्य बैंक। किस बैंक का? करूर वैश्य बैंक का। उसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि ये जो करूर वैश्य बैंक है ये कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है करूर, और यह बैंक करूर में ही स्थित है। और इस करूर बैंक के सीईओ कौन हैं? तो इसके सीईओ हैं पी आर श्रीष्ठडी। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो शिक्षाप्रद लगती है, नॉलेजबल लगती है, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।